सरकार गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद वाली एनर्जी नहीं लग रही सर। गुड मॉर्निंग। ओके सरकार, पॉइंट आता है आखिर जीएसटी इंडिया में आ गया, 35 एक्ट आ गए। सर जीएसटी कैसे आए हमने समझ लिया, 10 का क्रेडिट क्यों मिला समझ में आ गया, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, कैसे आया वो समझ में आ गया सर अपने को। अरे क्लियर yes, तो सर अब जीएसटी शुरू करें क्या अपन? जीएसटी क्यों आया, कैसे आया वो हमने बात कर ली, बैकग्राउंड पूरा हमने स्टडी कर लिया कि यार किस तरह से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर। ओके अब जीएसटी क्या है एक्चुअली वो हम देख लेते सर। शुरू करें क्या जीएसटी? जोश आना चाहिए, यस या नो? ओके तो सर सबसे पहली बात, जीएसटी 1 जुलाई 2017 से आया, सीजीएसटी एक्ट सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 हमेशा बोलता है एक्ट का नाम क्या है, किस दिन से एप्लीकेबल होगा और कहां एप्लीकेबल होगा। तो सर इस एक्ट का नाम है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। इट्स एक्सटेंड टू एंटायर इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा हुआ था जब 2017 में जीएसटी आया था, क्लियर। 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट हुआ, पर 8 जुलाई 2017 को महबूबा मान गई, महबूबा मुफ्ती सर 8 जुलाई 2017 को द एक्सेप्टेड और स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके इस सीजीएसटी एक्ट को जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल कर दिया था, क्लियर। वो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर तो अब हट गए, वो बात अलग है सर, पर उस टाइम पे जब 2017 में सीजीएसटी एक्ट आया था उस टाइम पे तो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लिखा था, और उसको 8 जुलाई को, क्योंकि आपको पता है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, अगर उस एक्ट को नहीं एक्सेप्ट करते तो लॉस उन्हीं को हो रहा था सर, इसलिए एक्सेप्टेड और अल्टीमेटली एक्सेप्ट करना ही था उनको। सो 8 जुलाई को स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके ये सीजीएसटी एक्ट वहां पे भी एप्लीकेबल कर दिया, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सीजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल हो गया सर। ओके तो सर ये तो था सेक्शन नंबर 1। अब सर आपको पता है कोई भी टैक्स चार्ज करने से पहले हम लोगों ने एक्ट बनाया सर, अरे ऐसे नो? तो हम लोग गवर्नमेंट को पावर देंगे टैक्स लेवी करने का, क्लियर। तो सर सबसे पहला सेक्शन होता है चार्जिंग सेक्शन, जहां से लेवी होता है, सेक्शन नंबर नाइन चार्जिंग सेक्शन है, लेवी का सेक्शन है, ध्यान से देखना सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 आ रहा आपके सामने, दिल थाम के बैठेगा सर, अब दिल थामना भाई, धड़कने नहीं सर। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1, मेरे ऐसा कोई सीरियस होकर बैठने की जरूरत नहीं, मस्त होकर बैठो आप सर। सीजीएसटी एक्ट ये बोलता है सीजीएसटी शेल बी लेविड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई, सीजीएसटी शेल बी लेविड। अच्छा नोट्स मिल गया आपको, बुक मिली हुई, नोट्स मिले भी आपको, बंद रखना उसको, ओके ध्यान इधर सर। सीजीएसटी ध्यान इधर यार, सीजीएसटी शेल बी लेविड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स गुड्स और सर्विसेज और बोथ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सीजीएसटी शेल बी लेविड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब दारू पे जीएसटी, लोग तो खुश हो गए, टैक्स फ्री है सर अरे आपने एल्कोहल लिकर के बिल पे देखा होगा, अभी भी स्टेट एक्साइज और वेट लगता है, हाँ है ना, देखा है आपने बिल पे है मतलब सर सर एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है बेटा, केवल एल्कोहल लिकर नहीं बोलने का, एल्कोहल लिकर के कमर्शियल यूज भी, इंडस्ट्रियल यूज भी सर, जैसे दारू दवा में भी काम आता है ना, ये तो बोल रहा हाँ सर मेरे तो सर ये सुबह ब्रश भी एल्कोहल से करता है सर, सर टोबैको लगाता है ब्रश पे और बाकी सर सर ओके एल्कोहल लिकर इंडस्ट्रियल यूज में भी काम आता है सर, परफ्यूम्स में आता है, दवाई में काम आता है सर, क्लियर। तो सर एल्कोहल लिकर नहीं बोलना, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जीएसटी मर्ज क्यों नहीं किया, क्योंकि बिफोर जीएसटी
एल्कोहल लिकर पर जो एक्साइज था दैट वाज स्टेट एक्साइज, मतलब एक्साइज की रेवेन्यू किसकी थी सर? स्टेट गवर्नमेंट की। एंड वेट भी लगता था सर, वेट भी किसका रेवेन्यू? तो दारू पे पूरा पूरा रेवेन्यू किसको मिल रहा है सर? और अगर जीएसटी में इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो किसका होता सर? मिल बांट के बिना बढ़ता सर, और मोदी जी पीते नहीं सर, आपको बताएं सर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ये टैक्स मर्ज नहीं हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला इसकी रेवेन्यू हमारी जो है हमारे पास रहनी चाहिए, वी डोंट वांट टू शेयर दिस रेवेन्यू, बड़ा रेवेन्यू मिलता सर इसमें, इसलिए एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को मर्ज नहीं किया, इसलिए एल्कोहल एक्सेप्ट एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके, बाकी सारी गुड्स पर, बाकी सारी गुड्स पर, ऑल अदर गुड्स आर चार्जेबल टू जीएसटी, ऑल अदर सर्विसेज आर चार्जेबल टू जीएसटी। एक पांच गुड्स हो रहे पेट्रोलियम वाली, वो सबसेक्शन टू में आने वाली है। तो सबसेक्शन वन के स्टार्टिंग में लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कवर्ड इन सबसेक्शन टू, तो वो पांच गुड्स पेट्रोलियम वाली हम बात करेंगे सर। ओके, तो सर सी जीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ वोट गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट द रेट, एट द रेट दिल थाम के देखिएगा, एट द रेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। अच्छा सुनो भाई, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट मतलब डेलीगेटेड पावर, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट मतलब यदा डेलीगेटेड पावर क्या है? क्लियर? तो रेट कौन डिफाइन करेगा? कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, क्या बोला आपने? पर सर जीएसटी काउंसिल इज नॉट द बॉडी हु कैन फ्रेम द एक्ट। यस, वो क्या करेगी? रिकमेंड करेगी, और जो उसने रिकमेंड किया है उसके बेस पे गवर्नमेंट क्या करेगी? नोटिफाई करेगी। तो सर पूरे जीएसटी में जहां पे भी आ जाए नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, वहां पे 100% क्या लिखा होगा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी। मजा आ गया सर, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी। समझे मेरी बात? अच्छा, बाकी सारे एक्ट आप पढ़ेंगे ना बेटा, तो वहां जहां पे गवर्नमेंट को डेलीगेट पावर दिया, वहां नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट या डेलीगेटेड बाय गवर्नमेंट, पावर बाय द गवर्नमेंट, ये लिखा है। केवल जीएसटी एक ऐसा एक्ट मिलेगा आपको जहां पे क्या मिलेगा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द, उसका कारण समझा मेरा? वरना सी जीएसटी और एस जीएसटी साथ में कैसे चलेगा सर? क्लियर? डन। ओके सर, जल्दी बोलिए वापस से, सी जीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ वोट गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर एट द रेट विच विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल बट नॉट मोर देन 20%, नॉट मोर देन, मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी 40%। दिस इज, देखिए क्या लिखा है, दिस इज सी जीएसटी। मैक्सिमम रेट ऑफ सी जीएसटी कैन बी, मैक्सिमम रेट ऑफ एस जीएसटी कैन बी, मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी, मैक्सिमम रेट ऑफ आई जीएसटी कैन बी। मजा आ गया ना सर, और क्या चाहिए सर? मैक्सिमम रेट विल बी 20%, 20% ऑफ व्हाट? सर एट द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बट नॉट मोर देन 20% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 15 पढ़ेंगे वैल्यूएशन के अंदर हम। क्लियर? एंड दिल थाम के, दिल थाम के, अगला लाइन बहुत शानदार है, मैक्सिमम लोग यहां तक पढ़ के खत्म कर देते सर। एंड इट शैल बी पेबल बाय अ, अब जाके खत्म हुआ है सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1। सर इट शैल बी पेबल बाय अ, पता है टैक्सेबल पर्सन व्हाट इज डिफाइंड इन सीजीएसटी एक्ट, इसका इंपॉर्टेंस क्या है बोल दूं क्या? थोड़ा सा बोल देते सर।
सर टैक्सेबल पर्सन मींस, वैसे हम डिटेल में बात करेंगे आगे, टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। वापस आराम से, टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ओके मालिक, ठीक है। अभी केवल आइडिया दे रहा हूं मैं आपको इसका। जनरली 20 लेकर लिमिटेड थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन सर, जनरली कुछ केस में अलग भी, वो छोड़ो भी आप, 20 लेकर लिमिट है फॉर रजिस्ट्रेशन, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अगर मेरा टर्नओवर 20 लेख क्रॉस कर गया तो आई एम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और कुछ अलग एक्सेप्शन भी है, बात करेंगे बात में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा आपसे। मान लो मेरा टर्न ओवर 20 लेख क्रॉस हो गया, मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, एम आई स्टिल लायबल टू बी स्टिल लायबल टू पे द टैक्स? आवाज नहीं आ रही, वाई? क्योंकि आई एम अ टैक्सेबल पर्सन। वाई आई एम अ टैक्सेबल पर्सन? मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कोई बात नहीं, आई एम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, इट मीन्स आई एम अ, एंड वंस आई एम अ टैक्सेबल पर्सन, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय मी। अब कस्टमर से कलेक्ट करूं ना करूं, मेरे को पे करना पड़ेगा सर। ये तो ठीक है, ये तो कॉमन सेंस में हर कोई बोल देता सर। मेरा पॉइंट आपसे ये, आई एम नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मेरा टर्नओवर 20 लाख क्रॉस, आई एम नॉट एट ऑल लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, पर फिर भी मेरे को लगा कि यार करा लेता रजिस्ट्रेशन, यार मैंने वॉलंटरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया। पहली बात तो ये, यू कैन अप्लाई वॉलंटरली ऑल्सो फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर आप ऑल्दो लायबल नहीं हो फिर भी इफ यू वॉन्ट यू कैन डू सो। ओके, मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई, नाउ आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, और वंस आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन आई एम अ, क्यों, टैक्सेबल पर्सन, मतलब अ पर्सन हु इज, ऑल्दो मैंने क्या ले लिया, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया, आई एम नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सिंस आई हैव टेकन द रजिस्ट्रेशन सो आई एम अ टैक्सेबल पर्सन, एंड वंस आई एम अ टैक्सेबल पर्सन, नाउ आई एम लायबल फॉर पे द टैक्स, आई एम लायबल टू पे द टैक्स, वाई, बिकॉज आई एम अ, इसलिए जीएसटी के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो वेरी नेक्स्ट सप्लाई से ही आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा कस्टमर से, और गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, क्योंकि यू आर अ नाउ टैक्सेबल पर्सन। सर्विस टैक्स वेट में ऐसा नहीं होता था सर, सर्विस टैक्स वेट एक्साइज में ऐसा नहीं होता था, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, पर आप अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम हो तो यस आपको एग्जम्पशन मिलता था, यहां पे ऐसा नहीं है। पिक्चर समझ में आई आपको, पूरी चार्जिंग सेक्शन में मैं कवर हो गया हूं, हाँ है ना। चलिए, ये तो मैंने एक बात शुरू कर ली आपसे, चलिए वापस से हम चार्जिंग सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 क्या बोलता सर, सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ वोट एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर एट द रेट विच विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल बट सर नॉट मोर देन 20% ऑफ वोट वैल्यू of goods or service or both and it shall be payable by a taxable माहौल। तो सर यही अगर SGST होता तो भी सेम होता, SGST एक्ट में इनफैक्ट सेक्शन नंबर भी सेम है, सब सेक्शन नंबर भी सेम है सर, यहां पे CGST लिखा, वहां क्या लिखा होता, SGST, बाकी सब कुछ सेम। अच्छा IGST होता तो IGST विल बी लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ वोट गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल बट नॉट मोर देन 40% ऑफ वोट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एंड इट शेल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल। पक्का? तो यार CGST हो, SGST हो या IGST हो, लेवी कब हो रहा है सर ये? हाँ जी सही बोल रहे हो, बोलो आप। देखो यार एक चीज ध्यान रखना, जितनी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा ना उससे ज्यादा चीजें आप मेरे को पढ़ाएंगे, ठीक है। व्हाट आई वांट, मैंने बोल दिया और आपने याद कर लिया, कोई मतलब नहीं है। मैं किसी फ्लो में चल रहा हूं और आपने अपना बोल दिया, मजा आ गया, घर जाके याद ही नहीं करना है सर, समझे मेरी बात, अपने आप आना चाहिए आंसर, दैट्स इट। सर मेरा पॉइंट आपसे यह कि CGST हो या SGST हो या IGST हो, लेवी कब हो रहा है सर? आवाज नहीं आ रही,
लेवी का मतलब क्या होता है सर? टैक्स चार्ज होना, टैक्स लगना, इंपोज होना। ऐसा कौन सा आप काम कर रहे हो जिसकी वजह से जीएसटी लग रहा है? सप्लाई, हाँ है ना सर? ऐसा कौन सा आप काम कर रहे हो जिसकी वजह से टैक्स लग रहा है? ऐसा कौन सा वो इवेंट है, ऐसा कौन सा वो इवेंट है जिसके होने पर ये टैक्स लग रहा है? सर उस इवेंट को बोलते हैं क्या? टैक्सेबल इवेंट। वो इवेंट जिसके होने पर एक पर्टिकुलर टैक्स लगता है इसको बोलते हैं क्या? टैक्सेबल इवेंट। एंड द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज, आवाज नहीं आ रही हुई, भले वो इंटरस्टेट हो, इंटरस्टेट हो बात की बात है सर, सीजीएसटी लगे, एसजीएसटी लगे या आईजीएसटी लगे वो बात की बात है, पर जीएसटी लगता कब है सर? सो टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई। ये किसने बताया, कहां बताया? यस सही बोल रहे हो, एक्ट में कहां बताया सर? 91 ने क्या बताया सर? कि ये एक्टिविटी करने पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा, जीएसटी चार्ज होगा। दैट्स व्हाई दिस सेक्शन इज कॉल्ड, यस सर। समझा मेरी बात? क्लियर? दैट्स व्हाई दिस सेक्शन इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन। इस सेक्शन की वजह से टैक्स चार्ज हुआ है सर। अगर ये सेक्शन नहीं होता तो जीएसटी लगता ही नहीं सर। इसलिए इन एवरी एक्ट जहां पे टैक्सेशन की बात आती है There is a charging section. Clear? समझे मेरी बात बच्चों? Okay. तो सर ये था आपका सेक्शन नंबर 9, सब सेक्शन 1 पक्का। ओके, धीरे धीरे ऑपरेशन करेंगे एक एक बात का हम। ओके, हमने अब इंटरेस्टेड क्या होता है, इंटरेस्टेड क्या होता है ये मैंने आइडिया आपको बताया, केवल डिटेल में बात करेंगे हम। आई जीएसटी एक्ट दिया है उसके लिए पूरा। ओके क्लियर? ठीक है सर, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं हम सर। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 2 ये बोलता है 5 गुड्स। कितने गुड्स सर? 5। गुड्स पेट्रोलियम वाले गुड्स सर, इनपे जीएसटी लगेगा बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। वो 5 गुड्स कौन कौन सी सर? पेट्रोलियम क्रूड, मैं बोलता हूं पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल सर, मोटर स्पिरिट जिसको पेट्रोल बोलते हैं सर, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो फ्लाइट्स में काम आता है सर, एंड नेचुरल गैस। 5 गुड्स वापस से बोलेंगे, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस। ये 5 गुड्स ऐसी है जिसपे जीएसटी लगेगा बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी। समझे मेरी बात बेटा? और अब तक गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई नहीं किया क्योंकि मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी 40%, और इधर तो 100% टैक्स चार्ज कर रहे हैं सर पेट्रोल डीजल पे। समझे मेरी बात? क्लियर? इसलिए इसको अब तक मर्ज नहीं किया। पेट्रोल पे सर एक्साइज भी है और वेट भी है, दोनों लगता है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जा रहा है और स्टेट को भी जा रहा है सर इस पे। ओके क्लियर? अब तक ये मर्ज नहीं हो तो एट प्रेजेंट कितनी गुड्स है जिसपे जीएसटी नहीं लगता है? एट प्रेजेंट कितनी गुड्स है जिसपे जीएसटी नहीं लगता है? 6। घूम लो और झूम लो, हाँ है ना, दोनों पे जीएसटी नहीं है। क्लियर? 5 पेट्रोलियम आइटम और 1 एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सर, दोनों पे अभी जीएसटी नहीं। घूम लो और झूम लो सर, वेरी गुड, माहौल चल रहा है सर अभी तो। ओके सर, ये था आपका सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 2। आइए सर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 3। अच्छा यार आप मुझे बताओ, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? क्यों क्यों? हाँ हाँ, कैसे कैसे? टैक्स कलेक्ट करते हैं हम एंड कंज्यूमर से या कस्टमर से, और गवर्नमेंट को हम पे करते हैं सर। तो हु इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट? सप्लायर। देखो जीएसटी लगता कब है? सप्लायर पर। तो सप्लायर बोलने का, मैन्युफैक्चरर ट्रेडर नहीं बोलने का। क्लियर? क्योंकि मैन्युफैक्चर करूं, ट्रेडिंग करूं या सर्विस सप्लाई करूं। क्लियर? जीएसटी लेवी कब होता है सर? सप्लाई, सारे चीज सप्लाई पे आ गई सर। ओके, तो जीएसटी विल बी लेविड ऑन सप्लाई, और कौन टैक्स पे करेगा सर?
आवाज नहीं आ रही सप्लायर। अब कस्टमर्स में लू या ना लू, गवर्नमेंट तो किसे लेगा? ही कांट से कि सर कस्टमर ने मना कर दिया टैक्स देने के से, बोल सकता है कि सप्लायर कौन लायबल है सर? पर कुछ केसेस में गवर्नमेंट को लगा कि यहां पर सप्लायर से टैक्स कलेक्ट करना बड़ा ही मुश्किल है, ना हो पाएगा, तो वहां गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सिस्टम को रिवर्स कर दिया और बोल दिया रेसिपिएंट तुम ही टैक्स पे करोगे। क्या बोल दिया सर? रेसिपिएंट तुम ही टैक्स पे करोगे, उसको बोलते हैं क्या, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। वो आ रहा है सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 3 में। गवर्नमेंट क्या बोलता है सर, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये सीजी स्टेट पढ़ रहे हैं बेटा, है ना। एसजीएसटी होगा तो स्टेट गवर्नमेंट होगा, एसजीएसटी। ओके सर, गवर्नमेंट हैज द पावर। देखो यार, पावर वर्ड आ जाए दिमाग में क्या आना चाहिए, जीएसटी के अंदर डेलीगेट पावर के साथ में क्या आना चाहिए दिमाग में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। गुड, गवर्नमेंट हैज द पावर दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज और बोथ। गवर्नमेंट इज द पावर दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज और बोथ। और उनको नोटिफाई कर गवर्नमेंट बोल सकती है कि इन नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज और बोथ में रेसिपिएंट शैल बी लायबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड all the provisions of the act shall apply on the recipient, means recipient shall be treated as if he is the person okay। सर वापस बोलता हूं मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द पावर कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेयर रेसिपिएंट शैल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली एंड इन सच केसेस ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विल अप्लाई ऑन द रेसिपिएंट एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। क्लियर? पक्का? रेसिपिएंट पे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि आपको ही टैक्स पे करना है। क्लियर? और हां, आपको ही टैक्स पे करना है, मतलब चॉइस नहीं है सर, चॉइस नहीं है, ये कंपल्शन है। शैल लिखा है यहां पे, ही मे, ऐसा नहीं लिखा है कि वो चाहे तो पे कर दे, नहीं तो ठीक है चलेगा, ऐसा नहीं है भाई। क्लियर? तुम पे करो, नहीं पे करो तो हम देख लेंगे आपको, समझे मेरी बात। दे शैल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, क्लियर, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। समझे मेरी बात बेटा? या और लिख देता हूं, अंडर RCM। ओके, क्लियर? ओके, अब आप कहेंगे सर वो कौन कौन सी गुड्स है, वो कौन कौन सी सर्विसेज नोटिफाइड है। पहली बात तो ये, कुछ गुड्स भी नोटिफाइड है एंड कुछ सर्विसेज भी नोटिफाइड है, पर गुड्स हमारे सिलेबस में नहीं आती है, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे केवल, पर वो भी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 पढ़ते वक्त, अभी नहीं पढ़ेंगे सर। RCM का एक पूरा चैप्टर मैंने अलग से दिया है, वो हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर एक एक बात, पर फिर भी थोड़ा आइडिया आपको दे देता हूं तो दिल में थोड़ी शांति रहेगी। हाँ सर, कुछ तो हुआ है सर आज। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द पावर टू नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज बोथ। अच्छा देना ना, गुड्स भी नोटिफाइड है, हम केवल सर्विस पढ़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि गुड्स है ही नहीं। ओके, जहां पे कौन टैक्स पे करेगा साहब? पक्का? कौन टैक्स पे करेगा मालिक? रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली एंड रेसिपिएंट विल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर कोई लाइन में दो दो तीन तीन बार रिपीट कर रहा हूं, कोई कारण है उसका, और वो कारण आपको हो सकता है थोड़ी देर बाद समझ में आए, ये भी ध्यान रखना। ये मत समझना कि इस साला क्या बोल कर रहा है, ठीक है, कुछ बातें हो सकता है जो आपको अभी नहीं समझ में आएगी, वो कुछ कनेक्ट करूंगा तो लगेगा ओह ये क्या हो गया। ओके, आने दो टाइम। ये जैसे मैंने पर्सन को बोल्ड मार्क किया है, इसका मीनिंग अभी आपको नहीं पता, देश के 70% लोगों को नहीं पता इसका, पर बताऊंगा थोड़ी देर बाद आपको सर। 90% 70 मैंने कम बोल दिया।
सुनना बात को ध्यान से, सरकार अब सर आखिर ये रिवर्सल क्यों आया, आरसीएम क्यों आया यार? गवर्नमेंट को क्या सिस्टम कॉम्प्लीकेट करना था? कहीं पे सप्लायर को लायबल कर दो, कहीं को रेसिपिएंट को लायबल कर दो, सिस्टम ऐसा कॉम्प्लीकेट कर दो कि लोग बस सीए के पास ही पहुंचे, ऐसा ऐसा गवर्नमेंट कौन? तो कुछ सोच समझ के रखा होगा सर। अब सर हमने आखिर रिवर्सल रखा तो क्यों रखा? एक एग्जाम्पल ले ले सर, नहीं ले ले क्या एग्जाम्पल? ओके सर, मान लो, हाँ तो मैंने बोलता हूं ना मान लो, तो आपको बोलना है मान लिया। देखो मेरा मान लो ओके, आपने आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में कोई सर्विसेज ली सर, सर्विसेज गुड्स नहीं, गुड्स इंपोर्ट करने पे लगता है क्या? कस्टम्स। सर्विसेज इंपोर्ट करने पे क्या लगता है मालिक? जीएसटी, आईजीएसटी लगता है सर। ओके सर, आपने कुछ सर्विसेज आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट करी, वैल्यू ऑफ सर्विस सपोज 1 करोड़, आउट ऑफ इंडिया से आपने इंडिया में कुछ सर्विसेज इंपोर्ट करी, वैल्यू थी कितनी सर? 1 crore, उस पर जीएसटी है। अब आई जीएसटी है क्या वो छोड़ो, अभी आप बेसिक चल रहा है सर। सपोज 18% इज द टैक्स, कितना हो गया सर? 18 लैक्स इज द टैक्स, टोटल हो गया कितना मालिक? 1 crore 18 lakhs। अब सर मेरा पॉइंट आपसे ये है, आउट ऑफ इंडिया से सर्विस प्रोवाइड करने वाला था कौन? मान लो मिस्टर डॉन, डॉन ने सर्विसेज दी इंडिया में किसको? मिस्टर कौन को? डॉन इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मिस्टर कौन? डॉन का है आउट ऑफ इंडिया, कौन का है? मान लो सर्विसेज दी 1 crore की, 18 lakh रुपी टैक्स, पूरा 1 crore 18 lakh मिस्टर कौन ने मिस्टर डॉन को पे कर दिया, उसमें से 18 lakh क्या था भाई? जीएसटी इज द रेवेन्यू ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ना सर। अब सर मिस्टर डॉन क्या करेगा, 18 लेख टैक्स लेके किसको पे करेगा सर? आपको लगता है, आपको लगता है वो डॉन इंडिया में आके जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा? आपको लगता है वो टैक्स पे करेगा? डॉन को पकड़ना सर। अब मेरा पॉइंट आपसे ये, जिसको 11 मुल्कों की पुलिस नहीं पकड़ पाई, क्या इंडिया का जीएसटी डिपार्टमेंट पकड़ लेगा सर? ना हो पाएगा। यस एंड नो। अब आउट ऑफ इंडिया वाला पर्सन है, क्या इंडियन गवर्नमेंट आउट ऑफ इंडिया वाले पर्सन से रिकवरी कर सकती सर? इंडिया वालों से नहीं हो पा रही सर। बहुत बड़ा इंटरनेशनल इश्यू बन जाएगा सर, कैसे आउट ऑफ इंडिया जाके ये एक्ट इंप्लीमेंट करेंगे वहां पे और इन्फोर्स करेंगे टैक्स कलेक्ट करने के लिए? नॉट पॉसिबल एट ऑल। इसलिए रेसिपिएंट को बोल दिया, इस पर्टिकुलर केस में अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज केस में रेसिपिएंट को लायबल कर दिया कि रेसिपिएंट शैल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और यहां पर सर जो मिस्टर कौन है वो डॉन को केवल कितना पे करेगा सब? ओनली रुपीज 1 crore पे करेगा। इन 18 lakh वो डायरेक्टली किसको पे करेगा? कौन पे करेगा? बता रहा हूं, पूछ रहा हूं मैं आपसे, कौन पे करेगा? मैं तो बता रहा हूं आपको, कौन पे करेगा? अरे क्लियर आपको? पक्का? हाँ है ना। तो इस तरह के कुछ जेन्युइन केसेस थे जहां प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि हम सप्लायर से टैक्स ले लें, इसलिए उन केसेस को नोटिफाई किया और नोटिफाई करके बोला कि यहां पर रिवर्सल लगेगा और यहां पर रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। इस तरह के कुछ एक्सेप्शनल केसेस नोटिफाई किए हुए सर। समझे आप? लॉजिक समझ में आया सर आपको? चलो एक और एग्जांपल दो सर। बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके जो रिकवरी एजेंट होते सर, वसूली भाई रिकवरी सर, बैंक से जो अमाउंट रिकवर नहीं हो पाता है दे अपॉइंट द रिकवरी एजेंट्स, वसूली भाई। वो बैंक से क्या लेंगे सर? कमीशन लेंगे। कमीशन मतलब दे आर सप्लाइंग सर्विसेज टू बैंक, वसूली भाई आर सर्विस सप्लायर एंड बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज द सर्विस रेसिपिएंट, है ना।
अब मान लो उन्होंने रिकवरी करी, उसका कमीशन उन्होंने बैंक से लिया, बैंक जो कमीशन उनको देगी उस पर क्या लगेगा? जीएसटी। अब वसूली भाई रिकवरी एजेंट, उन्होंने जीएसटी कर बैंक से ले लिया तो क्या वो गवर्नमेंट को पे करेंगे? तो क्या जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर उनसे वसूली कर पाएंगे? दो ऑफिसर गए वापस आए ही नहीं सर, दे देमसेल्फ रिकवर्ड। सर अब पॉइंट मेरा आपसे ये, अगेन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, गवर्नमेंट क्या बोल दिया हमसे ना हो पाएगा, रिवर्स लगाओ बैंक, तुम जितने वसूली एजेंट अपॉइंट करने कर दो भाई, हम तो तुमसे ही लेंगे। समझा मेरी बात? तो वहां पे क्या लगा दिया? अगेन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और वहां पे रेसिपिएंट जो बैंक है वही टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को डायरेक्टली। क्लियर? सो इस तरह की कुछ इंडस्ट्रीज थी, कुछ सर्विसेज थी जहां पे पॉसिबल नहीं था, जहां कुछ गुड्स भी थे जहां प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था सप्लायर से टैक्स लेना, इसलिए वहां क्या लगा दिया मालिक? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एंड देयर रेसिपिएंट विल पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम। क्लियर? अब वो कौन कौन सी सर्विसेज थी, कितनी सर्विसेज थी या कौन कौन से गुड्स थे वो हम अभी नहीं पढ़ रहे, मैंने केवल आरसीएम का आपको सिस्टम समझा दिया है और क्यों आया आरसीएम वो मैंने बता दिया है, सेक्शन में बताया, पूरा डिटेल में बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 7 के टाइम बेटा। ओके माहौल सरकार, आइए आगे बात करते हैं हम सर। ये था सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 3। मतलब अगेन ईच एंड एवरी वर्ड इज लॉजिकल, समझे? ऐसा नहीं कि कुछ में रिवर्स चार्ज कर दो, कुछ में फॉरवर्ड चार्ज कर दो, ऐसा नहीं सर। There are some logics behind it. मैं ये समझाना चाह रहा था आपको, लास्ट दो एग्जाम्पल से मैंने आपको ये समझाया सर। ओके अच्छा, अब वो कौन कौन से केस है ना सर, वो किसी सीपीटी वाले बच्चे को बोलो वो भी याद कर लेगा सर, ये 15 केस है लिस्ट है याद कर ले, दैट्स नॉट अ बिग कंसर्न यार। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि क्या होगा जैसे आप फाइनल लेवल में सर, थोड़े दिन बाद तो आप एडवाइस देंगे लोगों को, आप समझो मेरी बात को, कंसल्टेंसी देंगे, वहां क्लाइंट आके पूछेगा ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं वो लिखा था बुक के अंदर हमने ऐसे ही पढ़ा है सर। वो 15 का लिस्ट था उसमें है सर नामे वाला। मतलब आप समझे, आपके पास इतना लॉजिकल आंसर होना चाहिए सर कि द पर्सन हु इज कमिंग टू यू शुड बी सेटिस्फाइड कि हाँ यार बात बिल्कुल जस्टिफाइड है। समझा मेरी बात? क्लियर? चलिए सर अब बात करते हैं हम आगे सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 4 की। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 4 अगेन देखना ध्यान से, गवर्नमेंट इज द पावर, बोलती दिमाग में कुछ आया क्या? दो वर्ड्स आए होंगे, एक तो डेलीगेट पावर और सेकंड, बस ये फिक्स हो जाना चाहिए इधर सर, ठीक है? तो याद करना पड़ेगा क्या अपने को? सिस्टम समझ आना चाहिए सर अपने को। ओके गवर्नमेंट इज द पावर दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना इसको, दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और ये बोल दिया कि ये गुड्स और सर्विसेज और बोथ अगर, ध्यान से, इफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन परचेज करता है किससे, एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, एनी, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड पर्सन था बेटा, ब्रैकेट में लिखता हूं आरपी, आरपी मतलब रजिस्टर्ड पर्सन, ध्यान रहेगा आपको, रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड पर्सन है शैल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट अंडर आरसीएम and all the provisions of the act will apply on the recipient as if he is the person liable to pay tax to the mahol. Okay sir, he is the person liable to pay the tax to the government. ओके फुल स्टॉप।
सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 4, ध्यान से सुनना वापस से बेटा, अभी मैंने लिखा है कल, अब बोल रहा हूं मैं। गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज और बोथ, अगर किसने परचेज किया, पर सारे रजिस्टर्ड पर्सन ने लिखा है स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, किससे परचेज किया है, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में वो लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम। ओके, दो मिनट के लिए इन दो वर्ड्स को भूल जाओ अभी आप, है ना, दो मिनट के लिए। सेक्शन में क्या लिखा है, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन, अगर कोई किससे परचेज करता है तो कौन टैक्स पे करेगा, रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड है बेटा। और बिलीव मी, जब जीएसटी आया था 2017 में तब ये दो वर्ड जो मैंने काटे ना बेटा वो नहीं थे उस टाइम पे, ये नहीं थे। ठीक है, दो मिनट रुकिएगा आप, आराम से, जल्दी नहीं अपने को कुछ भी। ठीक है सर, अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, क्या बोला सर, गुड्स या सर्विस किससे परचेज करता है सर, तो कौन टैक्स पे करेगा। ठीक है, ओके, सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। मान लो आप अनरजिस्टर्ड हो जीएसटी में सर, यू आर, अब आप जब रजिस्टर्ड ही नहीं हो जीएसटी में तो क्या आप टैक्स पे कर पाएंगे, आप क्या मेरे से टैक्स ले पाएंगे, आप सप्लायर है मैं बायर हूं, मैंने आपसे कोई गुड्स परचेज किया या सर्विसेज परचेज करी, नीचे सैंडविच वाले से मैंने सैंडविच लिया सर, सर्विस अप्लाई करा सर, वो क्या वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, पर सर मान लो जेके शाह क्लासेस ने या यशवंत मंगल क्लासेस ने वो सैंडविच परचेज किया, मैं तो रजिस्टर्ड हूं सर, गवर्नमेंट क्या बोलती है, वो सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई है, टैक्सेबल गुड्स है, टैक्सेबल सर्विस है, सिंस वो बेचारा अनरजिस्टर्ड है उससे तो हम टैक्स नहीं ले पाएंगे, आप पे कर देना कोई बात नहीं, आप तो रजिस्टर्ड हो ना यार, आप तो समझदार आदमी हो सर, आप तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, आप टैक्स पे कर देना। लोगों ने बोला ठीक है, फिर जैसे चालू हो ना एक्ट, दिमाग खराब हो गया लोगों का, कैसे दिमाग खराब हो समझना ध्यान से। सरकार अगर कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस में किससे लेता हूं और अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो कौन टैक्स पे करेगा। मैंने ऑफिस में चाय मंगाई सर, चाय वाला इज नॉर्मल, बाहर जो चाय वाला खड़ा रहता है उससे चाय मंगाई मैंने ऑफिस के लिए, अपने क्लाइंट आया चाय मंगाई, ही इज नॉट रजिस्टर्ड, कौन चाय वाला, सर्विस रेसिपिएंट कौन सर, जीएसटी में रजिस्टर्ड, कौन टैक्स पे करेगा चाय पे, मतलब एवरी मंथ कितना चाय का खर्चा हुआ, एवरी मंथ जीएसटी पे करना पड़ता है सर, एवरी मंथ कितना चाय का खर्चा हुआ उस पर जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे कर दो, एवरी मंथ ऑफिस में जो रिपेयर मेंटेनेंस हुई है, कोई लेबर को बुला के साफ सफाई कराई सर, मान लो छोटा मोटा कोई रिपेयरिंग कराया, कौन टैक्स पे करेगा, आवाज नहीं आ रही हुई, और कब पे करेगा, एवरी मंथ, एवरी मंथ। अब आप मुझे बताओ जब ईयर एंड होता है तब क्लाइंट आता है, प्रॉफिट परसेंटेज तो इतना ही रखना है सर, फिर खर्चे उसके बुक होते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस टकाक, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस टकाक, अरे हाँ है ना, आवाज नहीं आ रही ओए सर, टी एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस टकाक, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस टकाक, क्लियर। तो जीएसटी ऑफिसर बोलेगा सारे खर्चे मार्च में होते, कह रहे सारी चाय तो मार्च में भी है। सर आप समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि अगर वो सारे खर्चे विदाउट बिल वाला है सर, वो अरे ऐसे नो अनरजिस्टर्ड से लिया आपने सर, उस पर टैक्स पे करना उसी महीने में जिस महीने में एक्सपेंस हुआ है। अब मार्च में अगर आप बुक कर रहे हो, जीएसटी सारा मार्च में पे किया आपने सर, तो इनकम टैक्स वाला पकड़ लेगा सर, इनकम एवरी मंथ, या तो फिर प्लानिंग हर महीने करो सर आप। एंड सेकंड थिंग, कितना कंबरसम हो जाएगा सर, आज सोचो ये मार्कर मैंने परचेज किया है, समझ मेरी बात को, केवल टैक्स पे करना इज नॉट अ कंसर्न, ये मार्कर मैंने परचेज किया, रोड साइड पे कोई बैठा था सर उससे मैंने परचेज कर लिया अंदर स्टेशन से, अब पहली बात तो इस पे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर दूंगा, कितना करूं, 18 करूं, 12 करूं, 28 करूं, कितना करना है सर, मतलब उसका पहले एचएसएन कोड निकालो, आप समझना बात को, कंप्लायंस बर्डन कितना भारी है सर, एक एक गुड्स एक एक सर्विस जो मैं अनरजिस्टर्ड से परचेज कर रहा हूं, कितना डिफिकल्ट,
इसलिए इस सेक्शन को तो किया स्ट्राइक ऑफ, पहले कुछ एग्जिबिशन दिया इसमें पर डे का, फिर सेक्शन को उड़ा दिया, फिर वापस सेक्शन को लेके आए और सेक्शन में फिर क्या किया इन्होंने, यस तब जाके इन्होंने क्या किया, स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ही सेक्शन रखा और सर वहां पे बोल दिया केवल किसके लिए, बिल्डर्स के लिए ओनली, बिल्डर्स जिसको प्रमोटर बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, वो लायबल है इस सेक्शन के लिए भी, नोटिफाई किया है अगेन चैप्टर नंबर 7 में हम इसको पढ़ेंगे सर, पर एज ऑफ नाउ एट प्रेजेंट केवल और केवल प्रमोटर्स आर नोटिफाइड अंडर दिस सेक्शन, और प्रमोटर अगर जैसे सीमेंट, बिल्डर्स हूं तो करो रहे हैं, बिल्डर्स सीमेंट कहां थी सर उनको, अगर उन्होंने सीमेंट अनरजिस्टर्ड से परचेज करी क्या करते हो, खर्चा बुक करने के लास्ट में सीमेंट इतना लगा ये लगा, अनरजिस्टर्ड से परचेज किया वो बिल ले लेते फालतू केवल विदाउट जीएसटी वाले, क्लियर, सीमेंट किसी से भी परचेज किया अनरजिस्टर्ड से कर तो रिवर्स चार्ज में किसको पे करना है, बिल्डर को टैक्स पे करना है सर, क्लियर, कोई भी कैपिटल गुड्स कोई भी मशीन उन्होंने परचेज करी अनरजिस्टर्ड से तो अगेन किसको टैक्स पे करना है, रजिस्टर्ड पर्सन जो बिल्डर उसको टैक्स पे करना है सर, और कुछ अलग गुड्स भी नोटिफाई करी हम बात करेंगे पूरा डिटेल के अंदर, पर 8% केवल प्रमोटर ही लायबल है। हाँ, मैंने प्रमोटर से पहले आपको दूसरी जो स्टोरी बताई वो इसलिए बताई कि इस सेक्शन का आपको इंपोर्टेंस समझना है, दिखने में लगता बड़ा इजी है पर कितना भारी सेक्शन था ये सर, पूरे इंडिया में अगर तकलीफ दी किसी को तो इस सेक्शन ने दी है सर, जब जीएसटी नया नया था तब, समझे, 2017 के अंदर बहुत भारी, ओके 13th अक्टूबर को फिर हटाया था सर इसको, या तो क्लियर है सर आपको, पक्का 100% डन। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर, क्या बोला सर, टू नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज और बोथ, कि वो गुड्स और सर्विस और बोथ अगर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने किससे परचेज किया सर, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो ऐसे केस में जो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है बिल्डर वो लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्लियर, पक्का, ओके। ये है सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4, आइए सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, मजा आएगा सर आपको, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5, दिल थाम के देखिएगा, गवर्नमेंट हैज द पावर, जल्दी बोलो, गवर्नमेंट हैज द पावर, आगे क्या लिखूं मैं, गवर्नमेंट हैज द पावर दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई, दिल थाम के देखिएगा कुछ चेंज होने वाला है यहां पे, देख के नोटिफाई सटा है ना, ओहो सरकार क्या कवर है यहां पे, केवल आवाज नहीं आ रही, क्या है सर, गवर्नमेंट इज द पावर दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल देख के नोटिफाई सटा है ना, गुड्स नहीं है भाइयों, ठीक है, बाकी सारे सेक्शन में गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यहां पर ओनली एंड ओनली सर्विसेज आर कवर्ड, ओके ध्यान से, गवर्नमेंट इज द पावर दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन सर्विसेज, और सर्विसेज को नोटिफाई करके बोल सकते हैं कि इफ इफ दीज सर्विसेज आर सप्लाइड, इफ नोटिफाइड If these notified services are supplied through electronic commerce operator, Ola, Uber, Urban Club, जिसका नाम Uber, अभी Urban Company हो गया है, हाँ ना बच्चों, सर Swiggy आ गया इसमें, Swiggy भी, Swiggy, Zomato, ओके सुनना ध्यान से, सर्विसेज केवल सर, गवर्नमेंट इज द पावर, इसलिए मैंने Amazon नाम नहीं लिया है सर, ओके Amazon नाम नहीं लिया है, ओनली सर्विसेज, ओके वो भी नोटिफाइड सारी नहीं, ओके सर गवर्नमेंट हैज द पावर दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन सर्विसेज दैट इफ दीज नोटिफाइड सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू ईसीओ देन ईसीओ शैल बी लायबल टू पे
जीएसटी शेल बी लायबल टू पे जीएसटी, ईसीओ शेल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विल अप्लाई ऑन ईसीओ एज इफ ही इज एज इफ इज द अभी मजा आएगा दूर को थोड़ी देर. एज इफ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज फुल स्टॉप. गवर्नमेंट इज द पावर दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन, और नोटिफाई करके बोल सकता है कि इफ दीज नोटिफाइड सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर देन ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज और वही टैक्स पे करेंगे सर. हाँ है ना बच्चों? क्लियर? ओके. एट प्रेजेंट कुछ सर्विसेज नोटिफाइड है, एट प्रेजेंट कुछ सर्विसेज नोटिफाइड है. अगेन सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में. 9.3 9.4 9.5 तीनों मैंने वहां पढ़ाया सर आपको क्लियर, पर जस्ट आइडिया देने के लिए सेक्शन 9 चल रहा है सिंस, इसलिए आइडिया दे रहा हूं आपको. कुछ सर्विसेज नोटिफाइड है, एग्जाम्पल के लिए ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, अर्बन क्लब डॉट कॉम, गो आई वीवो डॉट कॉम, होटल बुकिंग वगैरह, मेक माई ट्रिप वगैरह होटल बुकिंग के लिए. ओके ये कुछ कवर्ड है यहां पर. ठीक है एग्जाम्पल दिए मैंने, सारे नहीं पढ़ाया आपको. ओके एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको चीज समझ में आएगी क्या हो रहा आखिर. ओके चलिए सर एग्जाम्पल लेते हैं. सबसे पहले किसका? ओला का. टैक्सी है ना जो बहुत कॉमनली आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं सर. ओके तो सरकार ओला, ओला कैब की बात कर लेते हैं हम सर. प्रैक्टिकली सोचते हैं कि आखिर ये क्यों आया, आखिर हम क्या बात कर रहे हैं, क्यों आया. ठीक है ना, कैसे आया, क्या आया, वो सब बात कर लेंगे. क्यों आया पहले पढ़ लेते हैं सर. मेरा पॉइंट आपसे ये है, मान लो आपको अंधेरी से जाना है कहां, चर्च गेट. आपने ओला कैब बुक करी सर. मैंने क्या कहा, हूं चलते रहा करो बीच में. यस यस जरूरत नहीं है ज्यादा, हूं तो होना ही चाहिए सर बीच में. सर आपको जाना है अंधेरी से चर्च गेट, आपने ओला ऐप आपके पास थी, आपने ओपन किया, आपने सर बुकिंग के लिए जो भी प्रोसेस था वो किया, एंड सर मान लो वो टैक्सी ड्राइवर में था सर. हाँ हूं चलने दे सर. सर ओके नियरेस्ट टैक्सी मेरी थी सर, मैं टैक्सी लेकर पहुंच गया सर आपको. ओके अब सर मैं आपके पास आ गया सर, आपने डेस्टिनेशन डाल दिया, और सर हम कहां पहुंच गए, चर्च गेट जहां आपका लोकेशन था वहां मैंने आपको ड्रॉप किया. मान लो फेयर था ₹700. चलिए मैं टैक्सी ड्राइवर हूं, मेरी खुद की टैक्सी सर, मैंने ओला ऐप पे अपनी टैक्सी को रजिस्टर करा हुआ सर, एंड आपने ओला ऐप के थ्रू बुकिंग ली और टैक्सी मेरी आई और मैंने आपको सर्विसेज देके लोकेशन पे ड्रॉप कर दिया सर. पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, सर्विस रेसिपिएंट कौन है सर? पैसेंजर. अरे हाँ है ना. चलिए सर्विस सप्लायर, मेरे को कोई टेक्निकल आंसर नहीं चाहिए सर, है ना, कॉमन सेंस में बात करें हम. सर्विस सप्लायर कौन है, टैक्सी ड्राइवर या ओला? आपको सर्विसेज दी किसने, टैक्सी वाली? टैक्सी ड्राइवर ने दी है ओला ने दी है? टैक्सी ड्राइवर ने दी, पर थ्रू किसके बुक हुआ है ये? ओके चलिए सर्विस सप्लायर कौन, टैक्सी वाला. सर्विस रेसिपिएंट कौन? अब आपको लगता है ये टैक्सी ड्राइवर की शक्ल देख के बताओ, क्या आपको लगता है ये इतना ऑर्गेनाइज सेक्टर से है कि ये टैक्स पे कर दे, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा के हर महीने रिटर्न फाइल कर दे सर? आपको लगता है ये? आवाज नहीं आ रही? पर सर ओला, ओला उबर, स्विगी, इंडी से सैंडविच वाला, इसलिए गवर्नमेंट बोला यार ये टैक्सी वाले तो टैक्स पे नहीं कर पाएंगे, हम इनसे ले भी नहीं पाएंगे. ओला ये तो बड़ा आदमी है सर, पकड़ लो इसको, एंड बोल दिया ओला यू आर लायबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली एंड यू विल बी ट्रीटेड, यू विल बी ट्रीटेड एज इफ यू आर द. वो सप्लायर है नहीं, यू विल बी ट्रीटेड एज इफ यू आर द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज. अरे हाँ है ना. मतलब
अगर आपने ओला के थ्रू रेडियो टैक्सी की सर्विसेज दी है तो सर ये टैक्सी ड्राइवर जो है ना सर, इसको सप्लायर ही नहीं मानेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स लो सप्लायर किसको मानेंगे सर? आवाज नहीं आ रही हुई, ओला को। क्लियर? टैक्स कौन पे करेगा? आवाज नहीं आ रही है। पक्का 100%? कारण समझ में आया इसका? लॉजिक समझ में आया सर आपको? पक्का? ओके, सेम वे स्विगी के लिए हो गया सर, सेम वे होटल अकोमोडेशन में मेक माई ट्रिप डॉट कॉम हो गया, गोआईबीबो हो गया, ट्रिप एडवाइजर डॉट कॉम हो गया। इसमें भी कुछ कंडीशन हम बात करेंगे बाद में, जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया आपको अभी तो केवल। ओके, रेपिडो भी चल रहा है क्या आजकल बाइक पे? यहाँ पे भी है रेपिडो बाइक, वो भी कवर है सर इसके अंदर। क्लियर? तो सर जैसे ओला कैब चलती है वैसे रेपिडो बाइक चलती है सर, उस पर भी आप ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे सकते हो आप। ओके, तो सर ध्यान से देखना, यहां पे ओला को क्या मान लेंगे? एज इफ यू आर दी, और हां तीन बात और बोल दिया आपने सेक्शन 95 में, ओला यू आर लायबल टू पे टैक्स, और हां तुम ही टैक्स पे करोगे, और हां तुम ही टैक्स पे करोगे। मतलब यहां क्लियरली लिख दिया कि तुम ही टैक्स पे करोगे, क्योंकि इसी शक्ल देख लो इसे। अबे ओ सर मेरा पॉइंट आपसे ये है कि तीन पॉइंट लिखे, वहां बोल दिया कि ईसीओ शैल बी लायबल टू पे टैक्स, पर अगर ईसीओ आउट ऑफ इंडिया लोकेटेड है, कहां लोकेटेड है सर? जैसे उबर, अगर कहां लोकेटेड है तो भी उसी को पे करना है। इफ ही हैज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन इंडिया देन दे विल पे द टैक्स, एंड इफ ईसीओ इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया एंड इफ ही डज नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन इंडिया तो भी पे उसी को करना है। ही विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन देयर बिहाफ, मतलब पे तो उन्हीं को करना है, इससे ना हो पाएगा। समझे आप मेरी बात बच्चों? क्लियर? तो सर ये है सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5। यहां पे कुछ सर्विसेज नोटिफाइड है, गुड्स कवर नहीं है। एक और बात, सारी सर्विसेज नहीं है, केवल कुछ नोटिफाइड सर्विसेज है वही यहां पे कवर है, कोई और कवर नहीं है। क्लियर? पक्का 100% डन। तो सर अब एक बात और, 9.5 ये भी तो रिवर्स चार्ज हुआ ना सर? अरे ये भी तो रिवर्स चार्ज हुआ ना सर? ये तो हिंदुस्तान गलती कर रहा है। रिवर्स चार्ज किसको बोलते मालिक? जहां पे रेसिपिएंट टैक्स पे करता है। 9.5 में कौन टैक्स पे कर रहा है? आवाज नहीं आ रही ओए। मैंने 9.5 शुरू करते वक्त ही पूछा था कि ये जो टैक्सी वाली सर्विस थी इसमें सप्लायर ऑफ सर्विस कौन? टैक्सी ड्राइवर। रेसिपिएंट कौन? पैसेंजर। क्या पैसेंजर टैक्स पे कर रहा है? पैसेंजर टैक्स पे कर रहा है। पैसेंजर टैक्स पे करता तो क्या बोलते हैं हम? आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहां पैसेंजर टैक्स पे नहीं कर रहा सर, यहां पे रेसिपिएंट भी टैक्स पे नहीं कर रहा, ये टैक्सी ड्राइवर भी पे नहीं कर रहा। कौन पे कर रहा? ईसीओ। और ईसीओ को बोलते कि यू विल बी ट्रीटेड एज इफ यू आर दी, है ना? देखना भी, देखना देखना ध्यान से देखना भी। 9.4 में क्या लिखा था भाई? एज इफ यू आर दी, आवाज नहीं आ रही सर। रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स एंड रेसिपिएंट विल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द, एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स। 9.3 में देखो क्या लिखा था सर? रेसिपिएंट विल बी लायबल एंड एज ही विल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द। तो रेसिपिएंट को केवल एक काम दिया गया कि तू टैक्स पे कर देना, इधर तो पूरा दुकान ही उठा के दे दी उसको कि एज इफ यू आर दी। ये एक वर्ड ने कमाल कर रखा है सर, ये एक वर्ड ने कमाल किया हुआ है कि सर यहां पे सप्लायर कहलाएगा, सर यहां पे इसके टर्नओवर में अकाउंट होगा। हूं ही नहीं कर रहा यार, मैं तो नहीं पढ़ा रहा सर। यहां पर इसका टर्नओवर है ये, 9.3 9.4 में उसकी परचेज है वो, 9.3 9.4 में इनवर्ड सप्लाई है, वो रेसिपिएंट है उसकी, वो इनवर्ड सप्लाई है। यहां पर क्या है उसकी? आउटवर्ड सप्लाई है, ये उसकी सेल मानी जाएगी सर। हाँ है ना बच्चों? यस और नो? डन। सेक्शन नंबर 9 खत्म होता है। अब बात समझ में आपको मेरी है? पक्का एक एक वर्ड के मीनिंग समझ में आ रहे सर आपको? क्लियर? ओके गुड। तो सर सेक्शन नंबर 9 पूरा चार्जिंग सेक्शन समझ में आया आपको सर? सेक्शन नंबर 9.1
9293 9495। ओके, मैं एक बार फटाफट से सारे सबसेक्शन रिपीट कर रहा हूं सो दैट आपके यहाँ पे फिट हो जाए सर पूरा। सेक्शन नंबर 9 चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि सीजीएसटी शैल बी लेविड। देखो इसी सेक्शन में वाला लेवी होगा सर, इसलिए इसको बोलते हैं क्या चार्जिंग सेक्शन। सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल बट नॉट मोर देन 20% ऑफ व्हाट वैल्यू ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ एंड इट शैल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। भले रजिस्टर्ड हो या ना हो, अगर लायबल टू रजिस्टर है तो ये दया और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया तो भी टैक्सेबल पर्सन है साहब। ओके, तो सर वैसे रजिस्ट्रेशन पढ़ते वक्त हम बात करेंगे इसके बारे में वापस से, पर फिर भी यहां पढ़ाना बहुत जरूरी था आपको। ओके, इसलिए जीएसटी के अंदर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया उस दिन से आपकी टैक्स लायबिलिटी चालू हो जाती है, भले आपका टर्नओवर क्रॉस हो या ना हो। सेकंड बात, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 2 ये बोलता है क्या, 5 गुड्स पेट्रोलियम क्रूड, ये नाम आपको याद होना चाहिए ना बेटा, ठीक है ध्यान रखना, पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, ये 5 गुड्स ऐसी जिनको गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, उसके बाद इन पे जीएसटी लेवी होगा, अभी लेवी नहीं होता। तो एट प्रेजेंट दीज आर द 6 गुड्स विच आर नॉन टैक्सेबल सप्लाई अंडर जीएसटी, जिन पे जीएसटी नहीं लगता, घूम लो और झूम लो। क्लियर, पक्का? ओके, तो सर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 3 के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और वहां नोटिफाई करके बोल सकता है कि यहाँ पर इन केसेस में रेसिपिएंट शैल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विल अप्लाई ऑन रेसिपिएंट एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। हाँ है ना, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो नोटिफाई कर सकता है कुछ गुड्स और सर्विसेज और बोथ को, वो अगर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने परचेज किया किससे, किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए अंडर आरसीएम एंड ही विल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। क्लियर? एंड सर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 ओला उबर वाला सेक्शन नंबर 9(5) कहता है गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन सर्विसेज, और नोटिफाई कर दिया अगर सर्विसेज को, तो ऐसे केस में उन नोटिफाइड सर्विसेज को अगर आपने ईसीओ के थ्रू सप्लाई किया तो सच ईसीओ शैल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द, मजा आ गया सर, वर्ड्स पकड़ लिए आपने क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस पता पड़ गई। इसको चार बार याद भी कर लेते ना सर सेक्शन को तो शायद वो मजा नहीं आता सर, और शायद 2 दिन बाद भूल जाते सर, अब शायद इसको भूलोगे नहीं मेरे को लगता है कि यहां पे सप्लायर लिखा है और वहां पर्सन लिखा है, समझे मेरी बात? तो रटने में और समझने में ये फर्क है। क्लियर, समझे मेरी बात? ओके, इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट हो जीएसटी लेवी कब होता है सर, इंट्रा हो या इंटर हो टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म अंडर जीएसटी इज सप्लाई, द टर्म सप्लाई इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 7। दिल थाम के बैठेगा सर, आ रहा है आपके सामने क्या सप्लाई, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7 ने डिफाइन किया सप्लाई क्या होता है। ओके सर, अब सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है ध्यान से देखना सर, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 सर, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 सर, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1
फिर क्लोज ए डबल ए बी सी, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A, फिर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्लोज ए बी, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3 क्लोज ए और क्लोज बी, तब जाके यहाँ पे लगेगा क्या फुल स्टॉप। ओके सरकार, शुरू करते हम क्या सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सप्लाई, बहुत भारी है सर ये वर्ड, वापस बोल के बताओ एक बार, सप्लाई। वीडियो क्लास चल रहा ना सिस्टम? ओके, सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स ए डबल ए बी सी। ओके, इसका मतलब क्या है? सप्लाई इंक्लूड्स ए डबल ए बी सी, इसका मतलब क्या है? दिस डेफिनेशन इज इंक्लूसिव। और कुछ? अच्छा एक बात और, ये ध्यान रखना आप, अगर आपने जो आंसर दिया है वो अगर गलत रहा ना सर, तो मैंने तो मान रखा है गलत ही आएगा आंसर, सो डोंट वरी फॉर दैट, कि गलत हो गया तो सही हो जाएगा और क्या है, इसलिए तो हम यहाँ पे आए हैं सर। सो डोंट हेजिटेट इन शेयरिंग योर व्यूज, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है, आपने आंसर दिया, आंसर सही नहीं है, मैं तो मान के चलो आपको कुछ भी नहीं आता यार, जो आ रहा है वो बोनस ही है, इसलिए डोंट हेजिटेट, बोलना सीखो, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्लास के अंदर बोलना इज बहुत इंपॉर्टेंट। सर सप्लाई इंक्लूड्स का मतलब क्या है? ए बी सी मतलब क्या है इसका? इंक्लूसिव नॉट एग्जॉस्टिव। ओके मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, और हो सकता है, पक्का इसके अलावा भी हो सकता है। अच्छा अगर ये लिखा था सप्लाई मींस एबीसी, तो तुम ही हो, माय लाइफ मींस यू मतलब तुम ही हो, माय लाइफ इंक्लूड्स यू सर, तुम भी हो। योर सिलेबस इंक्लूड्स जीएसटी, क्या वो ही है? नहीं, समझे? लॉ मेकर्स आर सो स्मार्ट, दे हैव यूज्ड ईच एंड एवरी वर्ड वेरी केयरफुली, एंड वही हमको समझ में आना चाहिए सर, एंड द वे दे हैव फ्रेम्ड उसी वे में हमको समझ में आना चाहिए सर। सप्लाई मतलब तुम भी हो, हाँ है ना, समझे मेरी बात? फ्लर्ट कर रहे सर हमारे साथ, सर तुम भी हो, तुम ही हो नहीं है, क्योंकि नया एक्ट आया 2017 में, वैसे अगर हम ये पढ़ेंगे ना ए बी सी यू डबल ए, इसके बाद कुछ बचेगा नहीं वैसे तो, पर फिर भी लॉ मेकर्स ने थोड़ा सा केयरफुल होते हुए इंक्लूड्स लिखा है सर यहां पे, सो दैट कोई इनको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाए, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कभी ये हारे नहीं सर। ओके तो सर सबसे पहले बात शुरू करते हैं हम, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए, सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स, आवाज नहीं आ रही हो, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज सेल एक्सचेंज बार्टर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल, लिखता हूं उन लोगों को, सेल एक्सचेंज बार्टर ट्रांसफर लीज रेंटल और डिस्पोजल, सेल एक्सचेंज बार्टर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट, गुड्स और सर्विसेज और बहुत, बात करते हैं एक एक वर्ड की बात करेंगे हम। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज सेल एक्सचेंज बार्टर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट, गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हेन सच सप्लाईज आर मेड और अग्री टू बी मेड by a person for a consideration,
बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस फुल स्टॉप। ओके, द टर्म सप्लाई सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर ए चल रहा है भाई ये, और ऊपर लिखा टॉप में क्या, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। देखो पहले वर्ड में बात खत्म कर दी सर इन्होंने, कुछ भी हो, क्योंकि जीएसटी जब आया तब नॉट ओनली गुड्स सर्विसेज भी मर्ज हुई ना सर। मैंने कहा ना यस बोलने में थोड़ा दिक्कत आता है, हूं कर लिया करो सर, अभी नहीं बोलू तब सर। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, क्योंकि सारा गुड्स हो या सर्विस हो सारे टैक्स मर्ज कर दिए ना सर इन्होंने, इसलिए ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज। अच्छा ये भी एग्जाम्पल्स है, वैसे सब कुछ कवर कर लिया है फिर भी ये सच इज, समझे, सच इज सेल। ये मार्कर मैंने आपको सेल किया ₹10,000 में सर, कितने में मंगल्स सर, अगेन क्या हो गया ये सेल सप्लाई। एक्सचेंज सर, ओल्ड मोबाइल फोन अगर आपके पास है, नया मोबाइल फोन अगर आपको लेना है, 50,000 का मान लो नया फोन है एंड 10,000 का रिप्लेसमेंट उसमें दिया है सर, तो 40,000 रुपया आप दीजिए, ओल्ड फोन दीजिए और आपका नया फोन आपको पास आ जाएगा, एक्सचेंज हुआ है सर। अरे हाँ है ना, वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा सर। बार्टर, बार्टर मीन्स प्योर एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर। जैसे मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, बदले में आपने मुझे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, दोनों बर्बाद सर। सर मतलब बार्टर, सर मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, आपने मुझे अगेंस्ट में डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, इट्स अ प्योर बार्टर। क्लियर सर। ट्रांसफर, मैंने कुछ बुक्स मैंने कुछ अपने स्टॉक अपने दूसरी यूनिट को ट्रांसफर किए, ब्रांच ट्रांसफर किया साहब, वो भी आ गया है। कुछ असेट ट्रांसफर किए किसी और कंपनी को, वो भी आ गया सर इसके अंदर। लीज पे दिया है, फाइनेंस लीज हो या ऑपरेटिंग लीज हो सर। सॉफ्टवेयर का लाइसेंस मैंने आपको यूज करने के लिए दिया है, अरे हाँ है ना, वो लाइसेंस भी इसमें कवर हो गया। रेंटल, ये हॉल हमने रेंट पे लिया है, कोई गुड्स मैंने रेंट पे दिया है आपको, अरे यस या नो। और डिस्पोजल, मैंने बिजनेस के असेट क्या कर दिए, डिस्पोज ऑफ कर दिए, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर इट। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज सेल एक्सचेंज बार्टर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल। अब इधर ध्यान, मेरी तरफ देख के बोलना। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज सेल एक्सचेंज बार्टर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट। ये और बहुत जो आ रहा है ना हर जगह, एक दो दिन बाद आपको समझ में आएगा कि और बहुत का कोई मतलब ही नहीं है सर। लॉ मेकर ने अपनी सेफ्टी के लिए लिखा है इसको, बाकी इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है सर। ओके सर, और बात करेंगे आगे जाके हम। तो सर गुड्स हो या सर्विसेज हो, आपने सेल किया एक्सचेंज किया बार्टर किया सर, ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर इट। ओके क्लियर, पक्का समझ में आया आपको विथ एग्जाम्पल। ओके तो सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज सेल एक्सचेंज बार्टर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट, गुड्स और सर्विसेज और बोथ when such supplies are made or agreed to be made। ओ हो हो, सप्लाई कर दिया वो तो सप्लाई है ही है, सप्लाई करने के लिए एग्री कर लिया वो भी क्या है। ओ When supplies are made or मतलब सप्लाई किया वो तो सप्लाई ही है, सप्लाई करने के लिए एग्री कर लिया वो भी क्या है। मतलब कहते दो साहब, टैक्स इनकमिंग इज फ्री, आने दो सर। अब एग्री टू बी मेड का मीनिंग क्या है सर। वैसे टाइम ऑफ सप्लाई जब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 12 13 14 तभी बहुत शानदार तरीके से लिंक होगा, पर अभी बताता हूं आपको सर। आपने बैच ज्वाइन करने के लिए शायद फीस एडवांस में जमा कराई होगी सर, ये क्लास ज्वाइन करने के लिए आपने फीस एडवांस में पे करी सर। मैंने क्या कहा, हूं चलने जा करो सर। अब जो आपने फीस जमा कराई होगी, आपको जो इनवॉइस आया होगा उस पर जीएसटी होगा सर,
अब आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, क्या उस टाइम पे मैंने सप्लाई कर दी थी? आई हैड एग्रीड टू सप्लाई, आई हैड अग्रीड टू सप्लाई सच गुड्स और सर्विस बोथ। तो भी मेरे को क्या पे करना है साहब? जीएसटी पे करना है। मतलब अगर मेरे को एडवांस रिसीव हुआ है, क्या रिसीव हुआ सर, तो भी मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, भले वो गुड्स का हो या पर गुड्स के केस में, गुड्स के केस में गवर्नमेंट ने एडवांस पे टैक्स एग्जम कर दिया, बात अलग है सर, वो हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ते वक्त। तो एट प्रेजेंट केवल सर्विसेज के एडवांस पे ही टैक्स पे करना पड़ता है आपको, गुड्स के एडवांस पे हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई तो बात करेंगे। अभी तो जस्ट मैंने आपको लिंक किया कहां से चीजें बनती है सर, क्लियर। चलिए सर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम कल से, रहा है ना, टाइम हो गया ना सर, ओके लेट तो नहीं हो रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हो? हाँ बोल मत ना होए सर, ओके ओके। चलिए अभी सबसे पहले हम वो स्लाइड्स कॉपी कर लेते हैं जो मुझे कॉपी करानी है आपको, सो दैट यू कैन कॉपी इन योर नोटबुक ऑल्सो, ओके। अच्छा आपको बुक से क्या पढ़ के आना वो भी बताता हूं मैं आपको। चैप्टर वन जो है अपना, उसमें सर चैप्टर वन जब आप देखेंगे तो डेफिनेशंस दे रखी आगे, वो नहीं पढ़ना है आपको सर चैप्टर के एंड में, क्योंकि हर वर्ड को मैंने पूरे एक्ट में, पूरे जीएसटी एक्ट में जहां जहां भी डेफिनेशंस काम आई है वो मैंने दे रखी है एंड में, वो नहीं पढ़ना आपको बेटा, ठीक है। वो जैसे ही वर्ड रेफर होगा कहीं पे मैं डेफिनेशंस ओपन करने के लिए आपको बता दूंगा मैं। वैसे मैंने रेस्पेक्टिव चैप्टर में भी डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। स्टार्टिंग का जो चैप्टर है सर उसमें आप एक दो पॉइंट मेरे हैं वो कल पढ़ा दूंगा मैं आपको, ठीक है। जैसे कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए इसके अंदर वो लिस्ट पढ़ाना है वो बता दूंगा मैं आपको कल, ठीक है। अदरवाइज एस सच मेन चैप्टर वन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बहुत ज्यादा नहीं है, एक रीड मारोगे आपका काम हो जाएगा। वैसे कैसे जीएसटी आया, क्यों आया, इल इफेक्ट क्या थे, है ना, जो मैंने एक्साइज और वेट का आपको एग्जाम्पल दिया वो सब उसमें कवर है सर, ओके। चैप्टर टू जब शुरू करेंगे आप, चैप्टर टू जब शुरू करेंगे आप तो उसमें देखो सेक्शन नंबर नाइन, सॉरी सबसे पहले सेक्शन नंबर वन मिला होगा सर आपको, मतलब फर्स्ट पेज पढ़ना है। सेकंड पेज पे आपको देखो चैप्टर नंबर टू के सेक्शन नाइन मिला होगा बॉक्स के अंदर, बॉक्स में क्या लिखा है, स्टेटरी प्रोविजंस लिखा है क्या सर? ये नहीं पढ़ोगे चल जाएगा, ये बैरेक पार्ट है सर, जो बॉक्स में लिखा ना मैंने सेक्शन, ये बैरेक पार्ट दिया है, बैर एक्ट अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे चल जाएगा, रेफरेंस के लिए दिया है। उसके बाद देखो एनालिटिकल व्यू ऑफ टॉपिक दे रखा है, दे रखा है वो आप पढ़िएगा, बैर एक्ट नहीं पढ़ोगे चलेगा, केवल रेफरेंस के लिए मैंने बुक में दे रखा है बेटा, ओके okay? यहां से सेक्शन नाइन शुरू हुआ बेटा आपका, फर्स्ट पेज तो पढ़ना ही पढ़ना आपको, फिर ये पढ़ना है आपको, फिर उसके बाद देखिए सेक्शन नंबर फाइव वन आया होगा आपके पास, आईजीएसटी का मिला गया आपको, जो सीजीएसटी का सेक्शन नंबर नाइन वन है वही आईजीएसटी का सेक्शन नंबर फाइव वन है, उसमें केवल इंटरस्टेट सप्लाई है सर, हाँ है ना, मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी 40%, हाँ है ना। अच्छा वहां पर एक प्रोवाइजो भी है बेटा, सेक्शन नंबर फाइव सबसेक्शन वन जो है ना सर, मिला आपको एक प्रोवाइजो है, सुनो इधर ध्यान, उसमें लिखा है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे, किस पे सर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लगता है और कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी लगता है, क्लियर। तो वो लिंक यहां से दे रखा सर, वो जब कस्टम पढ़ेंगे तब बात करूंगा मैं आपसे, क्योंकि मैंने कस्टम्स आपको नहीं पढ़ाया है इसलिए, ओके। उसके बाद वही 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 दे रखा सर, सेम सेक्शन है सर सारे जो 9.1 में हमने पढ़े, अरे क्लियर, सेम वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद सेक्शन नंबर सेवन शुरू हुआ है आपका सप्लाई वाला, ओके। एक बार एक एक सेकेंड, सेक्शन नंबर सेवन जहां शुरू हुआ है, अगेन स्टार्टिंग में मैंने बैरेक पार्ट दे रखा है, स्टडी प्रोविजंस दे रखा है, मिला आपको बच्चों, वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो सप्लाई का एनालिटिकल डिस्कशन शुरू किया है उसमें भी फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने दे रखा है आपको, गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन है, ये मैंने आपको अभी नहीं पढ़ी है, अभी नहीं पढ़ना है, केवल आप तो ये ठीक है, आप ये कल ही पढ़ेंगे ना अपन, मैंने कंसिडरेशन और इन दी कोर्स ऑफ अदर बिजनेस पढ़ाया नहीं, बस आप सेक्शन नंबर नाइन पढ़ के आइएगा बहुत है। और एक बार ना सेक्शन नंबर सॉरी चैप्टर नंबर वन में देखिए आप, टॉपिक नंबर 1.5, टॉपिक नंबर 1.5 टैक्सेस सब्स्यूम्ड इन जीएसटी मिला बेटा आपको, ये मैं तुम्हें बताता हूं, दो मिनट लगेंगे सर, कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए जीएसटी में मिला आपको बच्चों, फर्स्ट सेंट्रल लेवीज सब्स्यूम्ड इन जीएसटी मिला बेटा आपको, इसमें मिला होगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, सर्विस टैक्स, सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी, ये था काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो कस्टम में लगता था सर,
जो कस्टम लगता था ना सर वो यहां पर था सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी, वो भी यहां मर्ज हो गया, पूरा कस्टम मर्ज नहीं हुआ है। कस्टम के अंदर क्या होता था सर, एक्साइज और वेट को बराबर करने के लिए ये सीवीडी और स्पेशल सीवीडी लगाते थे, वो जीएसटी मर्ज हो गया, वो बात करेंगे आगे कस्टम पढ़ते वक्त, तब समझ में आएगा आपको। देन सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, सरचार्जेस एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब एट द सेम टाइम देख लो कौन कौन सबसे नहीं हुए, कस्टम ड्यूटी मर्ज नहीं हुआ, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड टोबैको ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स। बेटा ध्यान देना, टोबैको जो है ना टोबैको, इस पे जीएसटी है और एक्साइज भी है, मतलब ये लोग तो देश को मतलब पूरा फंडिंग करने में लगे हुए हैं सर ये लोग, मतलब ये लोग मिल जाए ना वो टोबैको खाने वाले, तो आपको लगना चाहिए ये अच्छे लोग यार, इनकी वजह से देश चल रहा है अपना ये, और जीएसटी कंपनसेशन सेस भी दे रहे हैं लोग, तो और क्या कर रहे हैं, जान लोगे इनकी यार, और फिर भी मतलब और वो भी जान दाव पे लगा के खा रहे हैं तो और क्या चाहिए तो ऐसे लोग मिल जाते उनको तो एक बार नमस्कार करना चाहिए, अपने को थैंक यू कहना चाहिए, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। स्टेट लेवी सब्सिडी इन जीएसटी, देखिए आप स्टेट सरचार्जेस एंड सेसेस इन सो फार दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस, जो भी स्टेट के सेस वगैरह थे बेटा। एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट दोज लेविड बाय लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज के टैक्स मर्ज नहीं हुए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स मर्ज हुए। जैसे मूवीज वगैरह देखते हो ना बेटा थिएटर्स वगैरह में, तो उस पर लगता था क्या एंटरटेनमेंट टैक्स, लग गया आप क्या जीएसटी। ओके टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, खेलते हो ना बेटा बेटिंग जुआ वगैरह खेलते होंगे, नहीं तो पढ़ाई करो अच्छे से फिर खेलेंगे अपन सर। एंट्री टैक्स ऑल फॉर्म्स एंड परचेस टैक्स, वेट सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्सेस जो वेट होटल्स वगैरह लगता था सर, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट, ये सब मर्ज हो गए सर। अच्छा कौन कौन से मर्ज नहीं हुए, दारू इस पे क्या था सर, स्टेट एक्साइज और वेट दोनों था सर, ये मर्ज नहीं हुआ है। पढ़ो सर फर्स्ट पॉइंट, स्टेट एक्साइज ऑन एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स, अफीम गांजा वगैरह लेते हो ना सर, ये सर ये मर्ज नहीं हुआ है। सेकंड सेल्स टैक्स ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, टोबैको नहीं है यहाँ पे सर ध्यान रखना। ओके सर टोबैको पे एक्साइज लगता है, वेट नहीं लगता है। ओके देन प्रोफेशन टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, टोल टैक्स, रोड एंड पैसेंजर टैक्स, जो हर स्टेट में अलग अलग लगते हैं सर, ये मर्ज नहीं हुए, बाकी इस तरह वाले मर्ज हो गए सर। जस्ट नॉलेज के लिए बताया मैंने आपको कौन कौन से मर्ज नहीं हुए, कौन कौन से मर्ज हुए वो तो ठीक है सर सबको पता है, पर कौन से मर्ज नहीं हुए भी पता होना बहुत जरूरी है अपने लिए। ओके क्लियर, तो सर चैप्टर वन का केवल एक रीडिंग मार के आना सर आप, है ना, ऐसे टफ नहीं है, मैंने मैक्सिमम बातें आपसे कर लिया ऑलरेडी। ओके बच्चों उसके बाद में डेफिनेशन दे रही चैप्टर वन में, वो पढ़ के मत आना आप लोग, वो डायरेक्ट पार्ट है डेफिनेशन अगेन। क्लियर पक्का, तो चलिए सर मिलते हैं कल, सप्लाई की डेफिनेशन को कंटिन्यू करेंगे हम। ओके पर हाँ एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये बच्चों, और मैं ये स्लाइड कॉपी करने के लिए बोलता हूं आपको, मेरी रिक्वेस्ट आपसे केवल एक ही है, जो मैंने आपको पढ़ाया है आपको जब भी वक्त मिले इसको रिवाइज कर लेना बुक से। आप मैं आपसे प्रोमिस कर रहा हूं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, आपके एंड पे रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा अगर सेम डे पढ़ लिया तो, ठीक है। आप ध्यान रखना बैच कंप्लीट करना इज नॉट अ टारगेट, समझे मेरी बात, आपके एंड पे कंप्लीट होना इज द टारगेट, अल्टीमेटली आपकी सक्सेस हमारी सक्सेस है सर, और आपकी वजह से मैं हूं जो भी हूं सर। ओके तो आपके एंड पे कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा आपने अगर सेम डे पढ़ लिया तो इट्स नाउ माय रेस्पॉन्सिबिलिटी और मेरा कमिटमेंट आपसे कि जो मैं आपको आज पढ़ रहा हूं वो लास्ट डे भी याद रहेगा आपको, वो कैसे याद रहेगा वो मेरी स्टाइल है, पर आपको जो सेम डे पढ़ाया वो सेम डे पढ़ के आना, बाकी मेरा काम है सर। ओके एक बार जस्ट इन स्लाइड्स को कॉपी कर लीजिए आप, प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड्स। हो गया कॉपी, डन, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके पेन एग्जाम्ड है सर समझा, वेट एंड एक्सरसाइज दोनों साथ में एक साथ सीजीएसटी और एसजीएसटी सर। ओके 35 एक्ट्स
9:1 डन, टैक्स वैल्यू इवेंट जीएसटी, 9:2 फाइव गुड्स, फिर 9:3 आरसीएम, डॉन कॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, 9:4 आरसीएम, ओके, 9:5 ओला उबर, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, नॉट रिवर्स चार्ज, ओके, एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, देन सप्लाई कोरा कागज, जिंदगी अपनी ऐसी है सर, सर ये कल हम पढ़ेंगे पूरा, अभी इसको ठीक है कल बताया मैंने आपको, ओके थैंक यू सो मच, पढ़ के आइएगा।